बिना ठंड बड़ी पड़ रही है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितनी स्नोफॉल है। तो ये सारा वाइट वाइट है। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल है? होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। भूख लग रही है, भूख खाने ले जाएंगे। यहाँ से अभी हम निकले हैं, नई वीडियो की हमने शुरुआत कर दी है। सो कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया, मौज है, मौज मौज है, रोज है, नहीं मिले तो खोज लो। आप है तो बस मौज ही मौज। चलो तो अभी हम जा रहे हैं केलवा। केलवा जगह है जहाँ पे ये है डंपिंग यार्ड। वहाँ बेसिकली थोड़ा अलग सा है, मैंने कभी नहीं देखा ना इन्होंने देखा, तो वो हम दिखाते हैं। यहाँ जबरदस्ती नहीं, मन तो तुम्हारा भी था। कल मैंने उनको कन्विंस किया था उदयपुर के लिए, आज उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। राइट, तो माइट भी हो सकता है उनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो बेसिकली कल उन्होंने मेरे को बोल रखा था रुक जाओ, तो कल मैं रुक गया था यहाँ पे, आज मैंने उनको कहा इसलिए वो मेरे साथ यहाँ पे आ गए। सो केलवा है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर्स, जो कि हम 35 किलोमीटर मिनट में कर लेंगे। बाकी एज सच लोकेशन बहुत अच्छी है, बढ़िया रहा, लेकिन जो यहाँ का वो है ना वॉकिंग, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। तो आधा का किलोमीटर हो, लेकिन ये 2 से 3 किलोमीटर तक पहुँच जाता है। तो चलो आपको लेके चलते हैं केलवा। केलवा वहाँ पे होके उसके बाद हमने निकलना है कुंभलगढ़ से होते हुए। हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है? वो है हमारी माउंट आबू। पिछले 3 या 4 किलोमीटर में मैंने कैप्चर किया है कि यहाँ पे ना मार्बल्स का बहुत काम है। आप अभी इधर भी देखोगे ना तो ये देखो ये सारा मार्बल्स का काम है। सो इसी वजह से वहाँ पे ये वाइट वाइट है, सारा पूरा माउंटेन ही वाइट कलर का है। फोटोज़ में तो यही दिखा रहा है, बाकी अभी जाके एक्चुअली कैसा है देखेंगे तो पता लगेगा। नाम इसका है डंपिंग यार्ड। दो डंपिंग यार्ड है यहाँ पे, एक उन्होंने बताया, कह रहे वो तो नॉर्मल है, वो मत देखना आप, केलवा वाला देखना। तो वो केलवा वाला जो उनसे है वो थोड़ा बड़ा है। सो ये है बेसिकली, ओ माय गॉड ये क्या है? ठंड लग रही है। सो अभी 5 से चल के दिखाता हूँ कि क्या है एक्चुअली। ठंडी लग रही, बहुत ठंडी यार, मैंने तो इसलिए तो जर्किन पहन लिया राजी। सो अभी ना ठंड बड़ी पड़ रही है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितनी स्नोफॉल है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। हाँ जी, ये बंदे को जैकेट में ठंड लग रही है। सो ये था यहाँ का मिनी कश्मीर, इसको कहते हैं। सो है क्या बेसिकली यहाँ पे, ये देखो ये सारा वाइट वाइट है और बीच में ये पानी सा बनाया हुआ, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी जगह पे पहुँच गया। ये देखो, हेलो, और ये पूरा है पूरा। सो ये आपको किसी व्लॉग में नहीं मिलेगा जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये आपको सिर्फ इसी व्लॉग में मिलेगा। बेसिकली ये जो है ये वाइट सारा, ये बनता कैसे है? और ये तो बहुत दूर जा रहा है। सो ये जो ट्रक आया ना, इसके अंदर ये वाइट जो मार्बल का वेस्ट होता है ना, ये सारा वो है वाइट मार्बल का वेस्ट, और इसको ये यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो बाद में जम जाता है और जम के वो ये वाइट कलर का हो जाता है पूरा। बनता कैसे है बेसिकली आप ये देखोगे तो यहाँ से जो मार्बल, ये सारा ना मार्बल का वेस्ट है, इसीलिए इसका नाम डंपिंग यार्ड है। तो मार्बल का जितना भी वेस्ट है यहाँ पे आके डंप कर देते हैं, और जब वो सूख जाता है अच्छे से उसके बाद वो इस तरह का बन जाता है, और फिर आप कुछ टाइम बाद आओगे तो वो इस तरह का बन जाएगा। ये देखो, ये पूरा आपको ऐसे लगेगा कि ये मिनी कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइट कलर का है सब कुछ।
सो इंटरेस्टिंग है, लेकिन वन टाइम है, कोई बार बार आने की किसी को जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना, वन टाइम है, वन टाइम है, ठीक है, एक बार देख लो। हाँ तो यहाँ पे प्री वेडिंग जो होते हैं, प्री वेडिंग में ना इनके अलग से चार्जेस लेते हैं, ज्यादा परवड़ता नहीं है वो, यहाँ आके प्री वेडिंग कर लो, 2100 रुपए दे के प्री वेडिंग शूट करवा लो। सो अभी ना हम थोड़ा भाग के चल रहे हैं, बेसिकली है क्या, पीछे एक ट्रक आ रहा है, देख रहे हो, तो ट्रक जब थोड़ी सी स्टीप हाइट पे होते हैं ना, तो उसका जो थोड़ा सा वेस्ट है वो पीछे की साइड गिरता है, जिस वजह से अगर हमारे इस ट्रैक पे गिर गया तो हमारा यहाँ से निकलना, बाहर जाना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, फिर हमें वो घूम के जाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई हमने चेंज करा, मैंने कहा चलो भागो फटाफट, एक नई लोकेशन है यहीं पे अंदर ही, वहाँ लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। सो वैसे इंटरेस्टिंग है, वन टाइम वॉच है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक बार ज़रूर आना, फोटोग्राफ अच्छी आती है, के बारे में मैं कमी कहूँगा यहाँ पे, अगर ये चार्जेबल है तो यहाँ पे ये कूड़ा क्यों डाल रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये पान किसी ने थूक के फेंका, तो अगर चार्जेबल है तो यहाँ पे इसकी देख रेख कौन करेगा, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये सारा वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो इस तरफ ये पानी है, सो इट लुक्स लाइक कि आप शायद किसी कश्मीर की किसी कोई वादियों में हो। इट्स टाइम टू से बाय टू दिस लोकेशन, यहाँ से अच्छी लग रही है ये भाई, इस बंदे की फोटोज नहीं बंद होती बता रहा हूँ मैं। सो चलते हैं बस, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे एक दो कमियाँ मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिस वजह से साफ सफाई नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं हम सीधा, कहाँ जाना है, कुंभलगढ़ चलते हैं, और वहाँ जाके फिर आपसे बात करते हैं। एक काम करते हैं अभी, है ना, वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं कुंभलगढ़ के लिए, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो पे दिखाऊंगा तो अगली वीडियो में प्रॉपर उस तरह से नहीं दिखा पाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाई है, मल्टीपल वीडियो बनाई है, सो हर लोकेशन के हिसाब से है, आपको जौन सी लोकेशन देखनी हो आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंजॉय करना, मेरा चश्मा उसके पास है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।